हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ प्लास्टिक की बोतल को रीयूज़ करके एक ब्रश होल्डर बनाने जा रही हूँ। होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, मैंने 2 लीटर की बोतल को लिया है और मैं इसको अब कट करूँगी। ये देखिए, मैंने इसको कट कर दिया है बोतल को। और अब हम इसे वॉल पुट्टी का घोल है उससे मैं इसे अच्छे से लगा दूंगी ऊपर। इस पर वॉल पुट्टी का घोल लगाने के बाद मैं इसे 5-6 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दूंगी। जब ये ड्राई होगा फिर सैंड पेपर की हेल्प से इसको, इसकी एजेस को हम स्मूथ कर लेंगे और उसके बाद मैं इस पर कलर करूंगी। ये मेरे पास प्राइमर रखा हुआ था तो अब मैं इसे ही इसे एक स्पॉन्ज की हेल्प से इसे लगा रही हूँ ताकि इस पर एक मैटे लुक आए। तो जब तक ये ड्राई होगा तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके लिए मैंने ली है मोल्डेड क्ले। मैं मोल्डेड क्ले ले रही हूँ और मोल्डेड क्ले को मैं दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके उसकी रस्सी की तरह हम इसे बना लेंगे और फेविकोल की हेल्प से इसे, जो इसके किनारे हैं बॉटल के, इसे हम लगा दूंगे। ये देखिए, ये इस पर लग गई है मोल्डेड क्ले और मैं इसको ड्राई होने दूंगी। और फ्रेंड्स, आपको इसमें होल भी नज़र आ रहे होंगे तो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आप इसमें होल कर लीजिए और इसे वॉल पुट्टी के घोल से कवर मत कीजिएगा। और ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है हमारे मोल्डेड क्ले। अब हम इस पर फैब्रिक क्रिल का ब्लैक एक्रिलिक कलर हम इसे कर रहे हैं। जो मैंने इसकी बाहर एजेस अभी जो बनाई है मोल्डेड क्ले से, इसे हम एक बस ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। और इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, रैंडमली स्ट्रोक से लगा के मैं इसको प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर लूँगी। और ये प्रोजेक्ट हमारा बनने के बाद इतना यूनिक लगेगा, कोई कह भी नहीं सकता आपने इसे खुद घर पे बनाया है। और मेरी ना थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर डोंट माइंड। तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि अच्छे से इसे कवर कर दूँ। तो फाइनली देखो, लुक मेरी प्रोजेक्ट का ये है। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आएगी।